Hey guys, welcome to my channel. This is Pinky Arya and welcome to Pink Forest Villa. आज मैं आप लोग साथ बात करने वाली हूँ स्किन लाइटनिंग सीरम के बारे में. डेफिनेटली बहुत सारे लोग तो एकदम कुछ लोग गुस्सा हो गए होंगे, कुछ लोग एकदम खुश हो गए होंगे. बट मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड है व्हाइटनिंग स्किन व्हाइटनिंग चीजें उसे बहुत सारे ऑब्सेस्ड है स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना. मुझे ढेर सारे भर भर के कमेंट स्पेशली यही आते कि स्किन लाइटनिंग बताओ, स्किन लाइटनिंग बताओ. तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही फेस सीरम लेकर के आई हूँ. डेफिनेटली जब आप कोई भी चीज स्किन लाइटनिंग वाले डाल रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट से ही आपको पता चलेगा कि वो आपके स्किन पर एट द सेम टाइम काम करेगा कि नहीं करेगा, दूसरा साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं. क्योंकि जब भी हम स्किन लाइटनिंग के लिए ऑब्सेस्ड इतना हो जाते हैं कि हम इंग्रेडिएंट देखना भूल जाते हैं, तरह तरह के हाइड्रोक्विनोन क्रीम और ये वो मार्केट से उठाकर लगा लेते हैं एंड अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं, तो ये सब नहीं हो. इसलिए ध्यान रखिए इंग्रेडिएंट क्या है एंड वो लाइटनिंग इफेक्ट किस हद तक देगा. तो ऐसा ही कुछ फेशियल सीरम मैं आप लोगों के लेके आई हूँ. तो बात करते हैं फेशियल सीरम की. सो दिस इज अ ग्लूटा लाइट स्किन व्हाइटनिंग फेशियल सीरम. दिस इज अ इंटेंसिव व्हाइटनिंग फेशियल सीरम है ये. एनरिच्ड विद ग्लूटाथायोन 2% एंड विटामिन सी एंड कोजिक एसिड. देखिए इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने बात बताया था आपको. तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले इसके अंदर ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन जाना है स्किन लाइटनिंग के लिए जाता है. जब आपको वो चाहे वो इनटेक कर रहे हो आपको या आप अपरली ऊपर से आप उसको अप्लाई कर रहे हो, दोनों में जो है स्किन लाइटनिंग इफेक्ट दिखे जाते हैं एंड वो साइंटिफिकली प्रूवन है. एंड ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट ही स्किन लाइटनिंग है एक्चुअली. दूसरी चीज है इसके अंदर विटामिन सी. विटामिन सी काफी अधिक स्किन लाइटनिंग तो देता ही है, आपके स्किन को रिजुविनेट भी बहुत अच्छे से करता है. अगर आपको लाइंस है, फाइन लाइंस है, धूप से आपकी स्किन झुलस गई है तो भी विटामिन सी एक बहुत अच्छा मिरेकल काम करता है. और मैंने हमेशा बताया विटामिन सी मेरा पर्सनल जो है वो इंग्रेडिएंट है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर. एंड ऑल्सो इट हैज अ कोजिक एसिड. सभी लोग जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, कोजिक एसिड की मैं दीवानी हूँ. क्योंकि कोजिक एसिड जो है फर्मेंटिंग राइस के साथ बनाया जाता है. राइस को फर्मेंट करने के बाद कोजिक एसिड बनाया जाता है एंड वो जो एसिड होता है, जो एसिड पीछे लग तो गया है बट वो एग्जैक्टली एसिड जैसा काम नहीं करता है, वो बिल्कुल सेफ होता है आपकी स्किन के लिए एंड वो स्किन लाइटनिंग पे बहुत ज्यादा असर करता है. थाईलैंड की महिला, फिलीपींस की महिला या फिर कोरियन, जापानीज, एक्चुअली ज्यादा तो ये जापानीज से हुआ था एंड लेकिन बाद में पूरे विश्व में फैल गया, तो इसलिए भी कोजिक एसिड बहुत अच्छा है. एंड इंग्रेडिएंट के मामले में बात आए तो ये मेरा सेकंड नंबर पे आता है. तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग करेगी, आपकी स्किन व्हाइटनिंग करेगी एंड एट द सेम टाइम स्किन को रिजुविनेट करेगी. तो एक्चुअल मैं प्रोडक्ट में आपको दिखाना चाहती हूँ. अच्छा, तो इसके साथ की लीफलेट भी आता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं. देखिए सीरम यूज करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी. लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पैकेजिंग कैसी है. तो ये एक ऐसी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग के साथ आएगा. सारे डिटेल इसके ऊपर मेंशन है, कौन से इंग्रेडिएंट है, कब इसकी पैकेजिंग हुई है. 30 ml की जो क्वांटिटी इसके साथ आपको मिलेगी एंड पैकेजिंग के ऊपर 900 प्राइस लिखा गया, बट मैंने अमेजोन से इसको डिस्काउंट पर परचेज किया है एंड उसका जो डिस्काउंट है आई थिंक मैं को याद नहीं है ठीक से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डालूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा. सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. अच्छा, ये क्या करता है वो मैं बता देती हूँ आपको. रिमूव करता है आपके डार्क स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को, रिड्यूस करता है रिंकल्स को, स्कार को और आपकी स्किन को है स्मूथ बनाता है. एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ड्रॉपर पैकेजिंग के साथ ही आता है. दिस इज अ ग्लास पैकेजिंग, तो थोड़ा संभाल कर आपको रखना पड़ेगा. ड्रॉपर पैकेजिंग का तो बहुत अच्छा है. इसके अंदर से जो सीरम है वो हल्का सा एकदम यू नो व्हाइट कलर का ही है, पानी जैसा सीरम ही है, तो अच्छे से स्किन पर चला जाएगा. जैसा आपने विटामिन सी सीरम देखा होगा कुछ उसी तरीके का सीरम एकदम से अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर. आपको ना ही कोई स्टिकीनेस दे रहा होता है, ना ही कोई ऑयलीनेस दे रहा होता है, तो एकदम स्किन के अंदर एसेंस की जैसे अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड आप गुड टू गो हो जाएंगे एंड अपना काम ही जो सीरम है स्टार्ट कर देगा. अच्छा, अप्लाई करने की बारी आती है. तो मैं पर्सनली आफ्टर टोनर या फिर आफ्टर मॉइस्चराइजर क्या बोलते हैं आफ्टर टोनर या फिर आफ्टर एसेंस सीरम प्रेफर करती हूँ. कुछ लोग आफ्टर मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, तो जैसा आप लोगों को बेनिफिशियल लगे, जैसा आप लोग यूज करते हैं उस तरीके से आप इसको यूज कीजिए. एंड डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में आप इसको यूज करेंगे तो आपकी स्किन पर लाइटनिंग इफेक्ट तो मिलेगी ही. जो भी दाग धब्बों से परेशान है उनके स्किन के ऊपर से दाग धब्बे भी हटेंगे एंड ब्लेमिशेस जो है वो हट जाएंगे. कील मुहासों के ब्लेमिशेस हो, चाहे वो आपके एक्ने के हो या फिर बहुत वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हटाता है. गड्ढे की बात आती है तो आप डर्मा रोलर उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर गड्ढे के रेड वाले मार्क है तो वो ही अच्छे से हटाएगा. तो ओवरऑल जो आपको स्किन लाइटनिंग इफेक्ट है, सन टैनिंग हो गई है, उन सभी से छुटकारा देगा. तो अगर आपको ये खरीदना है तो मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए. अल्लाह हाफिज. जय हिंद.